उत्तर प्रदेश के हर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर इंडियन बैंक शाखा हर गांव में फदाली अली पुत्र संकटा निवासी सुरजीपारा पोस्ट हर गांव जनपद का सीतापुर में एक बैंक खाता था, जिसमें करीब 3,18,000 रुपए खाते में जमा थे। वहीं फदाली बेटे की शादी को लेकर जब पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके खाते में मात्र 26,395 रुपए ही है। जानकारी करने पर बैंक मैनेजर व कैशियर ने कुछ नहीं बताया। स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि फदाली के खाते से क्रमशः पैसा बैंक से जुड़े अनिल नामक बैंक मित्र के खाते पर ट्रांसफर किया गया। 10 फरवरी में अनिल द्वारा लिखित समझौते में स्वीकार किया गया कि पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर हुआ है और मैं कल परसों में वापस कर दूंगा। घर में शादी होने के कारण पैसे की अविलंब जरूरत है और अब अनिल पैसा वापसी में आनाकानी कर रहा है। फदाली किसी तरह पता लगाकर आज सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने पीड़ित किसान फदाली से इस ठगी प्रकरण में साक्ष्यों समेत उनका मौखिक बयान लेकर मुझे अवगत कराया। मिस्टर प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, किसान मंच, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन सीतापुर से मांग करता हूं कि उपरोक्त ठगी में शामिल इंडियन बैंक हर गांव के मैनेजर, कैशियर और बैंक मित्र अनिल के विरुद्ध FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही के साथ ठगी के शिकार किसान फदाली की 3 दिनों में धन वापसी कराई जाए, जिससे उन्हें अपने पारिवारिक समारोह पुत्र विवाह में कोई असुविधा न हो। किसान मोर्चा वालों के पास ये एप्लीकेशन लेके कैसे पहुंचे हैं बताइए भैया? पैसा निकल गया। कितना पैसा निकला है आपका? 2,81,000। कैसे पता चला आपको? आप पूरी बात बताएं अपनी। जब बैंक हम गए तो कैशियर साहब से पूछे तो कहा पैसा तुम्हारा नहीं बचा है, तो हम कहें पैसा बचाना है, तुम्हारा रुपया जमा रहे तो जमा रहे तो हम कहा बताए। उसके बाद में हम एस्टिमेट निकलवाए, एस्टिमेट निकलवा के वो ये सब पे मिलकर अनिल के खाते पे ट्रांसफर कर दिया। कौन किस किस ने मिले हैं, कौन कौन बैंक में मिले हुए हैं? मैनेजर साहब, कैशियर साहब। अच्छा, इन्होंने मिलकर अनिल कौन है? अनिल शाखा मित्र। शाखा मित्र हैं। अच्छा अच्छा, तो अनिल के खाते पे ट्रांसफर किया है? जी। ठीक है, तो आप हम संयुक्त किसान मोर्चे से क्या चाहते हैं? हम बस हमारा पैसा वापस दिला दिया जाए।